सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की खबरों को लेकर वेटरन एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो ने ये कंफर्म तो कर दिया था, तो वहीं अब सोनाक्षी सिन्हा के मामा पहलाज निहालनी ने एक्ट्रेस की शादी की खबर पर मोहर लगा दी है। दरअसल पहलाज ने इन दिनों की शादी को लेकर क्या कुछ कहा ये जानते हैं। दरअसल टाइम नाउ से बातचीत करते के दौरान पहलाज निहालनी ने दोनों की शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी। पहलाज ने कहा, मैं शादी में जरूर जाऊंगा क्योंकि मैं उसका मामा हूँ। सोनाक्षी जहीर को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, फाइनल ये दोनों शादी कर रहे हैं। पहलाज निहालनी ने इसे पूछा गया कि क्या उन्हें पता था शादी के बारे में, तो जवाब में पहलाज ने कहा, बिल्कुल आजकल के बच्चे अपने फैसले खुद लेते हैं, इसलिए पेरेंट्स को खुश होना चाहिए। हम लोग बस यही चाहते हैं कि ये दोनों खुशहाल जिंदगी एक साथ बिताएं, एक दूसरे से प्यार करें और हमेशा एक दूसरे के साथ दें। शादी को लेकर पूनम ढिल्लो ने क्या कुछ कहा था ये जान लेते हैं एक बार। दरअसल पूनम ढिल्लो ने कहा था, मैं सोनाक्षी को शादी की बधाई देती हूँ, बहुत प्यारा इनवाइट भेजा है उसने। मैं उसे तब से जानती हूँ जब वो छोटी बच्ची थी, उससे की लंबी जर्नी को देखी है मैंने और बहुत प्यारी बच्ची है वो। प्लीज जहीर याद रखा ना कि वो बहुत प्यारी है, उसे जिंदगी की सारी खुशियां देना, हम सब के विशेष हैं उसके लिए। हालांकि ना तो सोनाक्षी और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने शादी की खबरों पर कुछ साफ तौर पर रिएक्ट किया, लेकिन कुछ दिन पहले शत्रुघ्न ने कहा था अगर मेरी बेटी शादी कर रही है तो मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा और उसके फैसले का समर्थन करूंगा। सोनाक्षी को अपना साथी चुनने का अधिकार है और मैं उनकी शादी के दिन सबसे खुश पिता बनूंगा।